आज आई थिंक मैं कितने दिनों के बाद बैडमिंटन खेल रही हूँ। लास्ट जो सुशांत के साथ मैं खेली थी वही था, और उसके बाद सुशांत जॉइनिंग के लिए चला गया, फिर हम लोग नीचे बहुत कम आने लग गए, और अदिति के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे तो अदिति भी नीचे नहीं आती थी, और एक दो बार ही शायद मैं अदिति के साथ खेलूँ, उसके बाद से बैडमिंटन खेला ही नहीं था। तो आज इतने दिन के बाद बैडमिंटन खेलने में इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। तो अभी मेरा खेल के हो गया, अभी अदिति और वो रही अदिति फ्लोरेसेंट टॉप में, अदिति और उसकी फ्रेंड वो दोनों खेल रहे हैं। तो आई थॉट आई विल स्टार्ट द व्लॉग। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज एक ही दिन में मेरा दो व्लॉग हो चुका है, जो सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उसको दोपहर को एंड करके एडिट करके अपलोड भी कर दिया, जो अभी कुछ देर पहले अपलोड हो चुका है। आई एम श्योर आप लोग अभी वही देख रहे होंगे। और अभी मैं ये दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। वही होता है, अगर आप माइंड से मेंटली एकदम रिलैक्स्ड फ्री होते हो ना, तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से कर सकते हो। तो अभी मैं एकदम रिलैक्स्ड हो चुकी हूँ, तो अच्छे से मुझे आज अंदर से ही ऐसा हो रहा है कि चलो आज दूसरा व्लॉग भी अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ यहीं पे ग्राउंड पे। तो हम लोग आए कितने बजे, 10:05 को हम लोग नीचे आए, और अभी 10:45 हो चुका है, और परी भी एंजॉय करी उसके फ्रेंड्स के साथ, यहाँ से वहाँ भाग ही रही है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर और यहाँ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, और फिर उसके बाद परी को लेके मैं जाऊँगी ऊपर। रात का टाइम है ना, इसलिए क्लैरिटी थोड़ा कम है, जहाँ पे लाइट है वहीं पे अच्छा क्लियर दिख रहा है। और मेरी बिंदी भी देखिए लिफ्ट में गिर गई, तो अभी कैसा मेरा फेस अलग सा ही दिख रहा है, यूजुअली बिंदी के साथ रहता था, अभी देखिए कैसा लग रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा 10-15 मिनट्स थोड़ा वॉक कर लूँ, मम्मी को फ़ोन कर लूँ, क्योंकि मम्मी से भी आज बात नहीं हुई है पूरा दिन। तो अभी मैं सोच रही हूँ कैमरा ऑफ कर लूँ और ज़रा मम्मी से बात कर लूँ, मम्मी का हालचाल पूछ लूँ कैसी है क्या है मम्मी। तो आई विल टॉक टू हर एंड आई विल मीट यू आफ्टर दैट। परो नानू चला, नानू कमोन 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 लेट्स गो लवकर। आपने एंजॉय किया? हाँ। दियान के साथ एंजॉय किया? हाँ। 4 दिन के बाद खेलने मिला ना, एंड जस्ट लुक एट सानू, सानू खड़े रहो ठीक से, पूरा देखे पसीने से भीग गई है, पूरा बाल उसका भीग गया, पीछे से भी टर्न नानू, पूरे बाल देखो उसके भीग गए, टी शर्ट पूरा भीग गई, इतना आज सानू खेली है, बाप रे। मैं उसको कब से आवाज़ दे रही हूँ सानू चलो 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 चलो, बट शी वॉज जस्ट इग्नोरिंग मी, वो फिर भी खेले जा रही थी खेले जा रही थी, आने का नाम नहीं ले रही थी। फाइनली जो है ना टोल्ड हर दैट आई एम गोइंग, तब वो डर के मारे आ गए कि येस नाउ मम्मा इज़ गोइंग, तो वी हैव टू गो, वरना वो तभी भी नहीं आती। सो इट्स 11:15 राइट नाउ, 11:15 तक तो हम लोग ऊपर घर पे पहुंच जाते हैं, और आज 11:15 को हम लोग गार्डन से नीचे अभी जस्ट उतरे हैं, और फिर भी उसका मन नहीं भरा, उसको और खेलना है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स अभी भी ऊपर है, दे विल स्टिल आई थिंक प्ले टिल 11:30 एंड देन गो होम। सो अभी हम लोग तो आ गए नीचे उतर गए, अभी लिफ्ट का बटन सानू ने दबा दिया, सो वी गोइंग होम, आई विल मेक अ फ्रेश, क्योंकि देखिए इतना भीग गई है, तो पूरा उसको फ्रेश कराऊँगी अच्छे से, और उसके बाद उसको सुलाऊँगी। तो मैंने अभी चेंज कर लिया है, और अभी मैं करूँगी फेस वॉश विद दिस हिमालय फेस वॉश, जो मैं अभी न्यूली लेकर आई हूँ। फेस वॉश करने के बाद आपका फेस कितना फ्रेश, अच्छा और क्लीन दिखता है। मुझे कितना भी लेट हो जाए, बट फिर भी मैं अपना फेस वॉश किए बिना कभी नहीं सोती हूँ। आई मेक श्योर दैट आई ऑलवेज क्लीन माई फेस एंड देन पुट अ नाइस मॉइस्चराइजर एंड देन गो टू बेड। तभी मेरा फेस देखिए कितना क्लीन दिख रहा है, और सच में बहुत फ्रेश फील होता है व्हेन यू वॉश योर फेस। और अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ निविया का क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये देखिए ख़त्म भी हो गया यूज़ कर करके, क्योंकि एवरी डे बिफोर बेड टाइम आई मेक श्योर दैट आई क्लीन माई फेस एंड आई पुट अ गुड मॉइस्चराइजर, गुड अमाउंट ऑफ अ मॉइस्चराइजर। मैं इसके पहले भी मेरे एक वीडियो में आप लोग को दिखा चुकी हूँ दैट इट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट टू क्लीन योर फेस एंड पुट मॉइस्चराइजर बिफोर यू गो टू बेड। और मुझे अभी सोने में और एटलीस्ट 15-20 मिनट है, सानू को चेंज कराना है, मैं उसको अभी जस्ट खाना खिला कर आई हूँ, क्योंकि 8-8:30 बजे उसने वेफ़र और जूस पी लिया था, तो उसका पेट भर गया था, तो उसको भूख नहीं थी, तो मैंने उसके लिए मस्त चीज़ ऑमलेट बना के रख दिया था और दाल राइस रखा था। अभी ऊपर आके मैंने उसको अच्छे से गर्म करके उसको खिला दिया है, अभी वो थोड़ा सा मोबाइल देख रही है उसके दादी के साथ, और अभी मैं उसको अंदर लेके आके चेंज कराऊँगी, फिर उसका थोड़ा सा रिविजन ले लूँगी एक 10-15 मिनट का, और उसके बाद फिर उसको सुलाऊँगी, तो मुझे एटलीस्ट सोते सोते आधा घंटा हो जाएगा अभी। सो ये मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा दूँ। आप लोग भी प्लीज़ रात को सोने से पहले अपना फेस अच्छे से क्लीन कीजिए एंड पुट अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कितने अच्छे से पूरा मॉइस्चराइजर मेरे फेस पे अब्जॉर्व हो चुका है,
इट्स लुकिंग सो नाइस। और सुबह उठ के जब मैं फेस वॉश करूँगी ना तो स्किन लुक सो नाइस, ग्लो होता है, एकदम फ्रेश फील होता है। बिकॉज रात भर जब आप सोते हो तो योर ब्लड सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी इज़ वेरी गुड। रात के टाइम पे ब्लड फ्लो अच्छा होता है बॉडी में, तो आप कुछ भी चीज़ अपने स्किन पे लगाते हो तो रात के टाइम पे इट रियली वर्क्स वेरी नाइस। इसलिए हमेशा मैं सोने से पहले क्रीम लगा के ही सोती हूँ एंड इट गिव्स अ रियली गुड रिजल्ट। सुबह उठने के बाद जब आप फेस वापस धोओगे पानी से, प्लेन वाटर से, तो भी आपको फेस में आपकी इतने डिफरेंस दिखेगा, इट रियली लुक्स नाइस, ग्लो होता है आपका स्किन। आप लोग भी ये रूटीन करके देख लीजिए, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है, सूट होता है, तो यू ऑल कैन कंटिन्यू। सानू ने कर लिया है चेंज और अभी वो सोने वाली है, इट्स बेड टाइम, सो वी आर गोइंग टू स्लीप राइट नाउ। से गुड नाइट नानू, गुड नाइट। और मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल सुबह। कल मेरा थोड़ा लेट मॉर्निंग होने वाला है बिकॉज टुमारो इज सैटरडे, तो सैटरडे यूजली मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। सो आई सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरी वन, एंड टुडे द डे हैज स्टार्टेड, द मॉर्निंग हैज स्टार्टेड। और मैं आराम से 9 बजे अभी उठी हूँ। 9 बजे उठ के मैंने ब्रश किया है और सिर्फ प्लेन पानी से अपना फेस जो है उसे वॉश किया, एंड सी माई फेस इज़ लुकिंग सो क्लीन, कितना अच्छा, पूरा क्लीन और एकदम क्लियर दिख रहा है, सो नाइस, इट इज़ फ्रेश, इट इज़ लुकिंग। इसे भी हमेशा रात को फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगा कर ही सोती हूँ, तो इट गिव्स मी अ वेरी नाइस वेरी गुड रिजल्ट। तो आप खुद ही देख सकते हो मेरा स्किन कितना अच्छा दिख रहा है, एंड सो नाइस फ्रेश आई एम फीलिंग। तो आई एम गोइंग इनसाइड, आई विल हैव वन कप ऑफ टी, क्योंकि ब्रश करने के बाद तो मुझे चाय और नाश्ता चाहिए ही चाहिए, तो आई एम गोइंग फॉर दैट ओनली। समर वेकेशन चालू हो गया है, तो ये जो अमोल ने सानू को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था पूरा क्रेयॉन का सेट, उसमें से अभी ये लास्ट बचा है, तो वो अभी मैंने परों को निकाल के दे दिया कि अभी इसको भी यूज़ कर ले। वो सब यूज़ करके हो गया, स्केच पेन, वैक्स कलर, कौन सा पूरा सेट था वो इतना बड़ा जो अमोल ने इसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, बिकॉज शी लव्स कलरिंग। तो अभी फाइनली लास्ट वाला निकाल लिया है सानू ने, और यहाँ पे देखिए सानू और निशु दोनों बैठ के कलरिंग कर रहे, एंजॉय कर रहे। हाँ, थक जाएगी, इसके लिए पापा उसको हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों बैठ के अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। और आज हम लोग ने सैटरडे बोल के बहुत सिंपल लंच रखा है, रोज़ चपाती और रात को भाकरी खा के हम लोग बोर हो गए थे, तो सैटरडे वी नॉर्मली टेक सम चेंजेस। तो आज बना है इडली, जो एक राउंड इडली का बन चुका है और दूसरा राउंड यहाँ पे चल रहा है, मैंने पकने के लिए रखा है। और साथ में मैंने चटनी बनाया मस्त ग्रीन कलर की, ये देखिए ग्रीन कलर का चटनी बनाया मस्त, तड़का देके कड़ी पत्ता राई का, बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना है। सिर्फ उसको अभी मिक्स करना बाकी है। और अभी शाम को 4 बजे जो मैं कल डेकोरेटर से मैंने बात किया था वो घर पे आने वाले हैं, पूरा अपना जितना भी उन्होंने अभी तक का काम किया उसके थोड़े पिक्चर्स वगैरह लेकर आएंगे, और हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि परू के बर्थडे पे क्या डेकोरेशन करना है, क्या थीम करना है। सो दैट प्लानिंग हैज़ टू बी डन, सो टुडे 4 o'clock इज़ गोइंग टू कम। उसके बाद में, और क्योंकि निशु 5:30 चले जाते हैं, इसलिए मैंने उसको 4 बजे बुलाया ताकि निशु भी रहे जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ईजिली डिसाइड एंड चूज व्हाट डेकोरेशन वी वांट फॉर हर बर्थडे। लंच करके हो गया है और मस्त इडली चटनी हम लोग ने एंजॉय किया, और उसके बाद वैनिला आइसक्रीम खाया। कल हम लोग नीचे गए थे तो हम लोग के जाने के बाद डैडी भी आ गए थे, तो डैडी ने परू को बोल दिया कौन सा आइसक्रीम लेना है बोल दे, तो उसने वैनिला ही चूज़ किया। सो वी गॉट द एंटायर फैमिली पैक, तो अभी हम लोग ने खाना खाने के बाद वो एंजॉय किया सब ने साथ में। और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शूट दैट मलाड़ का व्लॉग, वो भी मुझे शूट करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो क्विकली मैं आपको तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आगे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अच्छे से मेकअप कर लिया है, और जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा हैवी मेकअप का लुक चाहिए, क्योंकि वो वीडियो है ही वैसा और उसमें मुझे सब ब्लैक टी शर्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन लिया है। आप जब वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ये व्लॉग के बाद वो वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं,
सो आई एम गोइंग टू शूट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। मैंने सब सामान निकाल के रख दिया, पूरा सेटअप हो चुका है और अभी मैं किड्स रूम में बैठ के आराम से मेरा वीडियो पूरा शूट कर लेती हूँ। एंड अभी जस्ट मेरा वीडियो शूट करके हो चुका है और अच्छे से मैंने शूट कर लिया। अब जाके मैं पूरा मेकअप उतारने वाली हूँ बिकॉज इट्स 3 o'clock राइट नाउ और मैं थोड़ा अभी रेस्ट करूँगी तो ऑब्वियसली मैं मेकअप के साथ तो नहीं सो सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस थिंग और अभी आई थिंक शाम को वो डेकोरेटर भी आ जाएगा टू फाइनलाइज द डेकोरेशन फॉर द बर्थडे पार्टी। सो येस आई थिंक आज का वीडियो यहीं पर एंड करते। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।